वेलकम बैक टू माय चैनल टेग्राफर। सो गाइस, ये है आईफोन 15 प्लस एंड आईओएस का जो लेटेस्ट अपडेट था, दैट इज आईओएस 20.3। वो मैंने अपने इस डिवाइस में इंस्टॉल कर लिया था। ऑलमोस्ट यहाँ पर 4 दिन बीत चुके हैं इंस्टॉल किए, एंड विद इन 4 डेज में मैंने ऐसे बहुत से बग्स है एंड बहुत से इशूज़ है जो मैंने फेस किया है। एट द सेम टाइम मेरे कुछ यहाँ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट करके बताया कि उनके आईफोन में क्या क्या दिक्कतें आए हैं आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ आईओएस 20.3। सो अगर आप इस अपडेट को इंस्टॉल किए हो अपने आईफोन पे, तो वीडियो को जो लास्ट तक देखते रहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला गाइस, यहाँ पर जो दिक्कत मैंने फेस किया है, दैट इज इन द बैटरी सेक्शन। यहाँ पर जो इनिशियल 2 डेज था विद द अपडेट ऑफ आईओएस 20.3, उनमें जब मैं वाईफाई यहाँ पर यूज़ कर रहा था थ्रू आउट द डे, तो मुझे बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर बैटरी लाइफ मिल रहा था। एंड ये था वो 2 दिन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 दिन मिला था ऑलमोस्ट 10 घंटे से ज़्यादा, एंड दूसरा दिन यहाँ पर जो था वो मिला था मुझे ऑलमोस्ट 7 आवर्स से ज़्यादा। एंड उस टाइम पे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मैंने कैमरा को बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव वे में यूज़ किया था ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के आसपास। एंड जैसे ही मैंने अपना शिफ्ट किया अपना सेलुलर नेटवर्क में, वैसे आप देख सकते हैं जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा गिर गया है। एंड मैंने सोचा था कि जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छा बैटरी लाइफ हो गया आफ्टर द अपडेट, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। एंड ये जो बैटरी लाइफ की दिक्कत है गाइस, ये बहुत सारे यूज़र्स को हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक यूज़र ने लिखा है कि माय बैटरी लाइफ वेंट टू 94% टू 91% इन जस्ट 7 डेज आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ आईओएस 20.3। तो इनका कहना है कि उनका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है जो मेरे फ़ोन पे 100% दिखा रहा था, इनके फ़ोन में 94 से गिर के 91% हो गया है। और एक यूज़र ने लिखा है कि उनके पास भी मेरे जैसे आईफोन 15 प्लस है, एंड उनका दिक्कत क्या है कि ये अपडेट इंस्टॉल करने के बाद 80% लिमिट तक जो बैटरी चार्ज होता है वो बढ़ के कभी कभी उससे ज़्यादा हो जाता है। यानी 80% आप लिमिट पे तो सेट की हो, लेकिन वो बढ़ के 85 हो जाता है या फिर 90 हो जाता है। सो बैटरी के सेक्शन में सही में दिक्कत है, सिर्फ मेरे को ही नहीं बहुत से यूज़र्स को जो है ओवरऑल दिक्कतें आया है। नेक्स्ट, मेरे फ़ोन पर जो गाइज़ यहाँ पर सबसे मैसिव जो मुझे बहुत ही इरीटेटिंग लगा गाइज़, दैट इज़ इन द कैमरा सेक्शन। कैमरे में ओवरऑल जो इंटरफेस है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहली बात तो 1-2 सेकंड बाद खोलता है, दूसरी बात कि जो नॉर्मल हम फोटो वगैरह खींचते उनमें ग्रीन लाइट का जो इशू है वो मेरे को सामने आया है। तो आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 यहाँ पर इमेज जो है मैंने क्लिक किया है। एक है थोड़ा सा जो ब्राइटनेस है उसको थोड़ा कम करके, एंड दूसरा है ओवरऑल जो नॉर्मल जो ब्राइटनेस था उसमें। एंड गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन टिंट है ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग करता है। एंड इस टाइप का ग्रीन टिंट इसके इस जो अपडेट है आईओएस 20.3 इसके पहले था नहीं। एंड इसको मैं दोबारा टेस्ट करने जैसे मैंने कहा कि ब्राइटनेस थोड़ा सा रिड्यूस करके मैंने खींचा, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का जो ग्रीन टिंट है वो आया है। एंड ये जो गाइस दिक्कत है, ये सिर्फ मेरे आईफोन 15 प्लस में नहीं, एक और यूज़र ने लिखा है प्रिंस नाम के, कि उनके पास भी आईफोन 15 प्लस है एंड इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद उनके फ़ोन में भी यहाँ पर ग्रीन स्पॉट का जो इशू है वो आ रहा है। और गाइस, सिर्फ बैटरी और यहाँ पर जो कैमरा है उसी में नहीं, नेटवर्क को लेके भी थोड़ा सा इशू आ रहा है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर जियो का नेटवर्क है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुल टावर कभी भी नहीं आता है आफ्टर द इंस्टॉलेशन। एट द सेम टाइम बहुत लोगों का जो यहाँ पर रिसीविंग जब टाइम होता है फ़ोन कॉल्स का, उनमें भी दिक्कत आ रहा है। जैसे कि एक यूज़र ने यहाँ पर लिखा है कि कॉल उठाने के टाइम पर उनका जो फ़ोन है वो फ्रीज़ हो जाता है। एट द सेम टाइम किसी का 5G नेटवर्क जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है कि यहाँ पर आईओएस 20.3 में इंस्टॉल करें या फिर रहने दें। एट द सेम टाइम किसी किसी का तो आईफोन 14 है और उनके जो बैक पोर्शन, एट द सेम टाइम जो फ्रंट पोर्शन है वो हीट थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। सो मोटे मोटे तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आईफोन में बहुत सारी दिक्कतें आई है आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ आईओएस 20.3। एंड आई होप कि ये जितने भी मैंने दिक्कतें बताया है कि आपके फ़ोन पे फेस करना ना पड़े, क्योंकि जिनको ये दिक्कत आया है वो बिलीव मी वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अभी तुरंत आईओएस 20.4 का अपडेट आएगा नहीं। सो लेट्स होप कि और कुछ दिक्कतें ना आए। फिर भी अगर कुछ भी इसके जितने मैंने बताया उसके अलावा कोई अगर आप दिक्कतें या फिर इशूज़ फेस कर रहे हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैंने यहाँ पर बैटरी लाइफ में फेस किया था, कैमरा में फेस किया था, एंड बाकी जितने भी लोग जो मेरे को यहाँ पर कमेंट किया है मैं सबको यहाँ पर एड्रेस किया हूँ उनके दिक्कतें। तो आई होप कि आपको इससे छोड़ के और कोई दिक्कतें फेस करना ना पड़े। सो फिलहाल के लिए इतना ही था, आई होप का वीडियो जो पसंद आया है। एंड यहाँ पर मैं कल ड्रॉप करूँगा आईओएस 20.3 का ओवरऑल रिव्यू, तो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो। टिल नाउ, अगर वीडियो आपको पसंद आएगा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे, वीडियो को लाइक्स कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो चलिए, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड स्टे सेफ।